Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। और देखिए, आप लोग जो प्रेम और स्नेह हमें दे रहे हैं, वो प्रेम और स्नेह आपका जो है बहुत बहुत हमको मिल रहा है। और थोड़ा सा एक काम और क्या कीजिए, आप लोग जब वीडियो देखा कीजिए तो ज़्यादातर लाइव आने का प्रयास किया कीजिए कि लाइव वीडियो देखिए। उससे आपका और हमारा जो मिलाप है वो ऐसा लगता है जैसे आप लोगों को मैं सामने पढ़ा रहा हूँ। तो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। देखिए, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग जो है इसको पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो फिर मेरा वीडियो बनाने क्या मतलब रह जाएगा। तो इसलिए जो है आप इसको देखा भी कीजिए और शेयर भी किया कीजिए, और साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। और मैं गारंटी करता हूँ कि जब आप परीक्षा में बैठेंगे ना, तो आपको ये महसूस होगा कि हाँ, अनुराग सर ने ऐसा पढ़ाया था, ये मुझे याद है। तो चलिए हम जो है आज आगे चर्चा करते हैं। आज आप लोग जो है, हम लोग आज नया चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए कुछ कई बच्चे जो है नए जुड़े हुए हैं और वो लोग अपना जो है पीछे का भी कवर नहीं कर पाए हैं। तो वो लोग फिजिक्स का जो वीडियो है आपका, जिसमें फिजिक्स पढ़ाई गई है, उसको जो है आप लोग देखते रहिए। तो उसमें हमने शायद 8 क्लास पढ़ाई है, उसको आप लोग कवर कर लीजिए। और इधर आप केमिस्ट्री लाइव पढ़ा कीजिए, ठीक। तो केमिस्ट्री का आज हमारा जो है जो चैप्टर चलेगा, उस चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार लवण। आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो अम्ल क्षार लवण, ये आपका केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है। तो हम लोग पहले सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर फर्स्ट चैप्टर। तो मैंने बोला कि मेरी नोट्स जो आप लोग बनाइएगा वो मेरे हिसाब से बनाइए, फिर आपके कॉलेज में या स्कूल में जो भी जैसे बनाया जाता है आप वहाँ बनाइएगा। इसको जो है आप लोग अपने पढ़ने के लिए हमारे हिसाब से बनाइए, और गारंटी करते हैं कि इससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। और नीचे कमेंट आप लोग जरूर किया कीजिए कि सर समझ में आया या नहीं आया, उसको मैं पढ़ता हूँ। आप लोगों के कमेंट में देखता हूँ कि कौन से बच्चे कमेंट किए हैं, अपना नाम लिखा कीजिए ताकि हमको पता चले कि हाँ, ये जुड़े हैं हमसे, ठीक। तो चलिए हम जो है देखते हैं आज अम्ल क्षार और लवण आखिर है क्या। तो देखिए, अगर हम सामान्य बात करें, नॉर्मल सी बात करें, तो कुछ चीज़ें जब हम खाते हैं तो हमको खट्टी लगती है, कुछ चीज़ें खाते हैं तो हमको जलन महसूस होती है। तो ये ऐसा क्यों है, तो उसके विषय में हम बात करते हैं। तो देखिए, जब कोई चीज़ आप खाइए और आपको खट्टी लगे, तो जान लीजिएगा कि वो आपका अम्ल है। और अगर कोई चीज़ खाइए और आप में जलन उत्पन्न हो, ठीक, दो चीज़ है, एक तो तीखा है। तो कुछ लोग सोचेंगे सर जी मिर्चा चाट ला वो तीखा या है, तो तीखे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जलन उत्पन्न हो। जैसे सूरन की सब्जी कभी खाइए तो ये कहेंगे यार कनकनात है। कनकनात है मतलब कहा कि यहाँ पे जो है ऐसा लगता है जैसे जलन हो रही है। तो क्या करते हैं, उसके लिए फिर खटाई डालते हैं या खटाई खिलाते हैं कि खटाई खा ले सही हो जाए, अचार खा ले सही हो जाए। तो ऐसा क्यों है, अरवी का पत्ता है, उसको आप कहीं भी स्किन पर लगा लीजिए, देखिए वहां पर खुजलाने लगता है। तो ऐसा क्यों है, तो चूंकि अम्ल और क्षार की वजह से ऐसा है। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं अम्ल, आखिर अम्ल है क्या, आखिर अम्ल है क्या। तो देखिए, अम्ल जो है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या हमने बोला कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, ये आपकी परिभाषा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिएगा, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जल्दी से एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, आशीष, दिलीप, मोहित, सुरेश, संजय, जतिन, जानसी, मोनिका, मोहित, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग चलिए, आप लोग लिखते रहिए कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो एक आप कुछ भी लिख लीजिए, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है आपका HCl। तो जब इसको आप जल में डालेंगे ना, जब इसको आप जल में डालेंगे तो ये आपका H+ और प्लस Cl- देख रहे हैं, आपको H+ मिल गया। फिर उसी तरह अगर आप H2SO4 का करते हैं, ठीक, H2SO4 का करते हैं तो 2H+ और प्लस SO4 टू माइनस, ये देखिए यहां पर भी आपको H प्लस मिल गया। तो आप इसको लिख लीजिए, ये आपकी रिएक्शन है। तो देख रहे हैं कि हम
अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में एच प्लस आयन देते हैं, इसको आप नहीं लिखेंगे, ये मैंने दूसरा चीज रिएक्शन जो होगी आपकी, जैसे एच सी एल जब इसमें हम जल मिलाते हैं अर्थात एच टू ओ जब मिलाएंगे तो ये आपका बनेगा एच प्लस और प्लस सी एल माइनस, तो देख रहे हैं हमारा क्या बन रहा है, एच प्लस बन रहा है। ठीक उसी तरह अगर आप जो है एच टू एस ओ फोर का करते हैं तो ये आपकी व्युत्क्रमानुपाती रिएक्शन होती है, मतलब इससे ये बनाया जा सकता है और इससे ये बनाया जा सकता है, इसीलिए हम दोनों तीर लगाते हैं। फिर इसका जब आप करेंगे एच टू ओ तो देखिए बनेगा क्या, टू एच प्लस और प्लस एस ओ फोर टू माइनस। तो ये था आपका कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, एच प्लस आयन देते हैं। उसी तरह अगर हम क्षार की बात करें, अगर हम क्षार की बात करें, अगर हम क्षार की बात करें तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, देखते हैं, बताइए समझ में आया कि नहीं। दिलीप, देवेश, जतिन, जानसी, शिवानी, समझ में आ गया सर, बहुत अच्छा सर। ठीक है तो आप लोग जो है इसको क्या नाम है, त्रिवेंद्र नाथ, आपका नाम भी बड़ा अजीब है तो अच्छा नाम है। ठीक तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। लिख लीजिए, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। ठीक तो कैसे रिएक्शन नीचे लिख लीजिए, जैसे NaOH जिसमें लास्ट में OH रहे, तो NaOH जब आप इसका करेंगे अर्थात H2O जब करेंगे जल में, जब इसको मिलाएंगे तो ये आपका हो जाएगा Na प्लस और प्लस OH माइनस। उसी तरह NaOH आगे KOH ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, Na से सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह K से पोटेशियम, OH से हाइड्रोक्साइड, KOH का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको जल में मिलाते हैं तो ये आपका बनेगा K प्लस और प्लस OH माइनस। जैसे MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब इसको जल में मिलाते हैं तो होता क्या है आपका Mg2 प्लस और प्लस 2OH माइनस। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि देखिए OH माइनस मिल गया, OH माइनस मिल गया, OH माइनस मिल गया, अर्थात क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। तो ये आपका था क्षार की परिभाषा, वो थी अम्ल की परिभाषा। अब थोड़ा गुण में समझ लीजिए कि अम्ल और क्षार के गुणों में क्या अंतर होता है। तो हम लोग अगली हेडिंग जो डालेंगे वो डालेंगे अम्ल के गुण। तो अम्ल के गुण क्या क्या होते हैं सुनिए। सबसे पहला गुण जो हमने बताया कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। पहला गुण हमने क्या बताया कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक दूसरा गुण, अम्ल जल में घुलनशील होते हैं, अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। तीसरा हमने क्या लिखा, तीसरा समझिए कि अगर प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल अगर है तो जान लीजिए तेजाब का काम करता है। एक प्रबल अम्ल में अगर एक जिंदा इंसान को डाल दिया जाए तो फिर जो चीज आप पकड़े रहेंगे केवल वही वापस आएगा, बाकी और कुछ मिलेगा नहीं, इतना संक्षारक होता है। तो जो आपके प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, प्रवृत्ति के होते हैं। हमने अब सोच रहे हैं संक्षारक क्या है, संक्षारक का मतलब यही हुआ कि पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, मतलब किसी जिंदा इंसान को अगर प्रबल अम्ल में आप डाल दीजिए तो उसकी सांद्रता इतनी ज्यादा होती है कि जो चीज आप पकड़े रहेंगे, जैसे आप पकड़े, अगर मान लीजिए मैं यही डालूं तो इसको देखो कुछ पकड़ा हूं ना इसमें, तो जो पकड़ा हूं केवल
वही चीज बचा रहेगा, बाकी जितना उसके अंदर डालेंगे वो तुरंत गायब हो जाएगा। तो वही चीज है प्रबल अम्ल संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। ठीक, तो ये सब हमारा पॉइंट किसका है, अम्ल का। वही अगर हम क्षार की बात करें तो क्षार स्वाद में तीखे होते हैं। तो तीखा में मिर्चा वाला मत समझिएगा, सूरन वाला समझिएगा या अरुई वाला समझिएगा। अरुई की सब्जी सब लोग खाते होंगे, तो अरुई की सब्जी खाने के बाद कनकनाता है उसको भी, तो अरुई की सब्जी तो तीखे का मतलब समझ रहे होंगे आप। उसके बाद क्षार भी जो है आपके जल में घुलनशील होते हैं, और प्रबल क्षार भी संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। प्रबल क्षार भी जो है आपके क्या होते हैं, संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात प्रबल क्षार में भी अगर किसी आदमी को डाला जाए तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो ये आज हमने पढ़ा कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, अम्ल के क्या गुण हैं, क्षार के क्या गुण हैं। तो ये चार चीज आज हमने पढ़ी, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, देखिए 20-25 लोग 30 लोग देख रहे हैं और लाइक जो है सिर्फ 8 है, तो आप लोग लाइक किया कीजिए। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग इसको अगर देखेंगे तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसा कि स्टार्टिंग में हमने कह दिया है। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग अपना प्रेम और स्नेह इसी प्रकार देते रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने मित्र दोस्त यार से सब्सक्राइब करवाइए।